अच्छा, हम पहले एक बाउल में दही हम इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्ची पिसी हुई, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। इन सारे मसालों को ऐड करके हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अच्छा, वैसे मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो यूजुअली मैं दूसरे तरीके की बनाती हूँ, प्याज टमाटर वाली, पर अब के मैंने ये रेसिपी कहीं देखी थी तो मेरा दिल चाह रहा था बनाने का, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं और अच्छी बनेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि कैसी बनी है, ताकि आप लोग भी ट्राई करें। तो मैंने आज सोचा आज नए स्टाइल से हम भिंडियाँ बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मिक्स इसका मिक्सचर बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो भिंडियों को हमने यहाँ से दोनों तरफ से कट करके वॉश करके और बीच से कट लगा के हमने ये देख लिया कि ये इसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, तो हमने सारी भिंडियों को ऐसे काट लेना है लंबा लंबा सा, ठीक है। अब ये ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हमने अपनी जो भिंडियाँ हैं उनको फ्राई करना है और फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ऑयल ऑयल जो है वो गर्म हो गया है तो हम यहाँ पे इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने ना पहले ऐसी वाली भिंडियाँ भी कट कर ली थी क्योंकि मैं अपनी वाली सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने फिर मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा नहीं आज मैंने कुछ नया ट्राई करना है, तो इसलिए फिर मैंने बाकी की भिंडियाँ जो हैं वो लंबी लंबी काट ली। तो यहाँ पे आपको जो है दो तरह की भिंडियों की शेप नज़र आएंगे। अच्छा जी, इसमें ऑयल में हमने इसको अच्छे से फ्राई करनी है और बस हल्का सा फ्राई करनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि हमने इसको ब्राउन करना है या ब्लैक करना है, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा हमने इसको सॉटे करना है। तो हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट। मैं सॉल्ट कम यूज़ करती हूँ क्योंकि कम डल जाए तो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला होता है, तो इसलिए कम डाल ले वरना कम नमक ऐड कर ले वो ठीक है। यहाँ पर हमने इसको, ये मेरे ख्याल से भिंडियाँ मैंने आधा किलो ली थी, ये आधा किलो भिंडियाँ हैं, ठीक है। या हमने इसको ऐसे हमने बस इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे भिंडियाँ इसकी अलग कर ली हैं, अब हमने इसमें ऑयल थोड़ा सा और ऐड करा, ठीक है। ऑयल डाल दिया, ऐड कर दिया हमने इसमें, थोड़ा सा ये गर्म हो रहा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने नमक ऐड पहले भी करा था, नमक भिंडियों में हमने फ्राई करते हुए हमने नमक डाला तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए इसमें हमने ऐड करा है अदरक लहसुन का पेस्ट, एक हम यहाँ पे प्याज ले लेंगे, ठीक है, उसको हमने चॉप कर लेना है। अच्छा
अच्छा अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये ऑनियन, एक ऑनियन चॉप करके हमने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम चिल्ला पेस्ट कर लेते हैं, तो हम अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें इसको मैंने ना दो हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पे और उनको मैंने ऐसे बारीक बारीक लंबा कट कर लिया है, ठीक है। वो हम यहाँ पे इसमें हमने ऐड कर दिया, ज़रा सा प्याज थोड़ी सी सौते हो जाए हमारी, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ी सी प्याज को हमने सौते होने देना है, सॉफ्ट होने देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, क्योंकि हमने उसमें भी डाल ऐड करी हुई है, हमने जो दही का मिक्सचर बनाया है उसमें भी मिर्चें हैं तो ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे बस आधा चमचा डालेंगे। इसमें फिर हम हाफ टी स्पून हल्दी, ये ऐड करके हमने मिक्स करा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना टमाटर, टमाटर को भी हमने चॉप करना है, बारीक बारीक चॉप करके रखना है, डालना है, चॉप करके ऐड करना है। अब हम इसमें टमाटर चॉप कर लिए हैं, उसको हम ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड करके हमने इसको मिक्स किया है, इसको हम स्लो आंच में ढक के रख देंगे, ठीक है, ताकि इसके टमाटर जो है वो गल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे टमाटर जो हैं वो हो गए हैं, मसाला हमारा रेडी हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे दही का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम ऐड करेंगे। हम इसको स्लो आंच पे दोबारा से ढक के रख देंगे ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। अच्छा जी, देखें अब हमारी ये रेडी हो गया, ठीक है। इसमें अब हम ऐड करेंगे अपनी भिंडियाँ, ये हमने भिंडियाँ ऐड करके ऐड कर ली हैं, हम मिक्स करेंगे। अच्छा वैसे ना इस रेसिपी में उन्होंने सिरका नहीं रख डाला हुआ, सिरका ऐड नहीं करा, पर मैं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे सब्ज़ियों में सिरका मैं लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि जो सिरके से जो सब्ज़ियों में टेस्ट आ जाता है ना वो बहुत मज़े का टेस्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें एक आधा उसका जो कैप होता है ना हाफ कैप वो मैं इसमें सिरके का ऐड कर रही हूँ। खुशबू और इसका जो टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल ही चेंज कर देता है अपने टेस्ट को, सब्ज़ी का बिल्कुल मज़े का टेस्ट आ जाता है। ये देखें, देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, ये देखें इसका, इसको देखने से ही कितने मज़े की लग रही है ना, ये मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ।
इसी की जो शक्ल थी ना खाने की, बस मैं, मुझे उसी से दिल चाहा कि मैंने कहा ट्राई ज़रूर करूँगी। तो अभी हम खा के बताते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। वैसे मैं सब्ज़ियाँ खाना टेस्ट नहीं करती, पर ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को भी बताने के लिए, तो इसलिए मैं टेस्ट करूँगी। यम्मी, रियली इट्स वेरी वेरी डिलीशियस, बहुत मज़े किया ये, वाकई में बहुत मज़े किया। हम इसमें ऐड कर देंगे फॉर गार्निश एंड टेस्ट। वैसे बहुत मज़े की बनी है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, ओए होए, दिल चाह रहा है बस अभी इसी में ही ना रोटी में, अगर बनाई भी होती ना मैंने अभी रोटी, तो मैं अभी खा लेती बहुत मज़े की है। कभी दूसरी वाली भिंडी बनाऊंगी तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी सिर्फ उसमें से प्याज टमाटर होता है, दही वाली नहीं बनाती मैं, लेकिन ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। ओके, ये भी बहुत मज़े की है। हमारा खाना तैयार हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, कहीं बातों में खाना लग जाए, पर ये मैंने आप लोगों की वजह से टेस्ट करा है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है आप लोगों को बताने के लिए। बहुत मज़े की है, आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।